नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्टार। इस बार का आईपीएल सीजन काफी रोमांचक होने वाला है। ये रोमांच आईपीएल ऑक्शन के साथ साथ मैदान पर भी देखी जा सकती है, क्योंकि इस बार कुल 10 टीमें इस टूर्नामेंट में शामिल हो रही हैं। अब बेस्ट खिलाड़ियों को अपनी टीम में रखने की रवायत शुरू हो गई है। इसी कड़ी में वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान और दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर में से एक जेसन होल्डर को आईपीएल नीलामी में बड़ी कीमत मिलने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस कैरेबियाई ऑलराउंडर पर बड़ी बोली लगा सकती है। खिलाड़ियों के फॉर्म पर करीब से नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स का मानना है कि फ्रेंचाइजी होल्डर के शानदार स्किल्स के चलते उन पर 12 करोड़ रुपए तक की बोली लगा सकती है। फ्रेंचाइजी से जुड़े सूत्र ने समाचार एजेंसी से कहा, बेन स्टोक्स उपलब्ध नहीं है। हार्दिक पंड्या और मार्कस स्टोइनिस को साइन कर लिया गया है। मिचेल मार्श ने पूरे आईपीएल सीजन में उपलब्ध होने को लेकर आप आश्वस्त नहीं हो सकते, क्योंकि चोटों से उनका गहरा नाता रहा है। यदि होल्डर के रिकॉर्ड को देखें तो अभूतपूर्व रहे हैं। आरसीबी उन पर बड़ी बोली लगा सकती है, साथ ही दूसरी टीमें भी ऐसा कर सकती हैं। आपको बता दें कि वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर जेसन होल्डर आईपीएल 2022 से पहले शानदार फॉर्म में थे। भारत के खिलाफ पहले वनडे में उन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली थी। इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ टी20 में उन्होंने हैट्रिक समेत 11 विकेट चटकाए थे। आईपीएल 2021 में होल्डर ने 8 मुकाबलों में 85 रन बनाए और 15.43 की बेहतरीन औसत से 16 विकेट चटकाए। तो इस तरह से इस आईपीएल ऑक्शन में फ्रेंचाइजी की नज़र इस बार जेसन होल्डर पर टिकी हुई है। अब देखना यह होगा कि जेसन होल्डर किस टीम का हिस्सा बनते हैं। आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।